नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माय पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को लेके, क्योंकि सीजीएल मेंस में इंग्लिश का सेक्शन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। 135 नंबर इतना वेटेज है, और 135 में अगर हम लोग 130 132 नंबर स्कोर कर ले तो हमारा मेंस का पेपर इंग्लिश सेक्शन वाइज बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो सिर्फ ये बात कहना किसी वीडियो के स्टार्टिंग में कि 130 या 132 नंबर स्कोर कर लेंगे, वो यार कहने में बड़ा आसान रहता है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने चलते हैं, जब तैयारी करने चलते हैं, जब प्रैक्टिस करने चलते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता है। आप अगले 5-7 मिनट मेरे साथ गुजारिए, मैं एक परफेक्ट प्लान लेके आया हूँ कि कैसे आप 130 32 नंबर 135 में बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेंस के समय में कितना प्रेशर होता है, कितना कम टाइम होता है, ऐसे में तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या काम किया है कि पूरा एक प्लान बनाया है, और प्लान बना के जो है मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार गाइड कर दूं, जिससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। साथ में मैं रिसोर्स लिस्ट भी लेके आया हूं कि आप किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो है आप अपना स्कोर कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं मेंस के दौरान, तो भी बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्स यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, उन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे हम लोग। और मैं आपकी कैसे मेंस में मदद करने वाला हूं, उस बात की चर्चा भी हम करेंगे। एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि 135 नंबर का पेपर है। 135 नंबर के पेपर में तीन ही सेक्शन आता है, एक हमारा ग्रामर आता है, एक आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन, एक आता है हमारा वोकैब का सेक्शन। तो वन बाय वन तीनों की बात करेंगे। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इससे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों को समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, एक्टिव पैसिव वाइस के क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो पैराजंबल में, क्योंकि पैराजंबल ग्रामेटिकली सॉल्व किया जा सकता है, और क्लोज टेस्ट में आप ग्रामर के बेसिस पे क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर मैं इसके रिसोर्स की बात करूं, मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसकी बात और चर्चा जो है थोड़ी सी बाद में करूंगा, लेकिन मैं पहले रिसोर्स बता दूं कि अगर ग्रामर को आपको अच्छे से मेंस के दौरान अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसका एक सेक्शन ऐसा होता है कि ग्रामर पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेंस तक आए हो तो ग्रामर आपने एक बार पढ़ रखा होगा, लेकिन आपके पास एक शॉर्टकट वे चाहिए ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। इसके लिए मैं एक रिसोर्स आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, इंग्लिश ग्रामर द स्मार्ट बुक। अगर ये बुक आपके पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो मेंस के दौरान आप इंग्लिश ग्रामर की स्मार्ट बुक रख सकते हो। इसमें देखो रिसोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। साथ में इस स्मार्ट बुक की खास बात की इसमें सबके जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन है। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई रूल नहीं आता है तो उसी पर्टिकुलर रूल को ही आप पढ़ाई कर सकते हो, कि इसका सेगमेंटेशन ऐसे बचा हुआ है। अगर नाउन में अगर स्पेशली आपको कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है तो उसी सेक्शन को डायरेक्टली पढ़ सकते हो, और उसी की वीडियो देखनी है तो QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली उसी की वीडियो देख सकते हो। आपको इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जब से SSC ने एग्जाम स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक की अपडेटेड TCS पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो इससे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लानिंग भी अभी और डिटेल बात करेंगे, पहले रिसोर्स लिस्ट बात कर रहे हैं कि अगर कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में बात करें तो पैराजंबल पैसेज और क्लोज टेस्ट आता है, और इसके लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की एक स्मार्ट बुक आती है जिसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 450 से ज़्यादा पैराजंबल है, 200 से ज़्यादा क्लोज टेस्ट है, 100 से ज़्यादा पैसेज है, और इनके VODs है, कंसेप्ट की भी VODs है, और साथ में सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। तो इसके रिसोर्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपकी सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस में। जितना इसमें रिसोर्स है, और ये सारा का सारा रिसोर्स PYQ पे बेस्ड है, मतलब जिस तरीके के SSC एग्जाम में क्वेश्चन बनाती हैं सेम वही क्वेश्चन उठाया गया है और उससे रिलेटेड थोड़े और अपडेट किए गए हैं। अगर पॉसिबल कोई क्वेश्चन बन सके तो आप इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, YouTube पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे अगर कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन की बात करें तो। एंड द नेक्स्ट सेक्शन वोकैब है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idiom phrases आता है, स्पेलिंग चेक आता है। 90 डेज वोकैब प्लानर में 9000 प्रीवियस ईयर के वर्ड्स को डे वाइज सम अप किया गया, जिसको 90 दिन में आसानी से कर सकते हो, और 500 से ज़्यादा क्विजेज बनाए गए हैं इन्हीं वोकैब पे, 9000 वोकैब पे, जिससे आप क्विजेज के थ्रू डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लेते हो। याद करने में दिक्कत होती, QR कोड स्कैन करो, क्विजेज को प्रैक्टिस करो, अच्छी तैयारी हो जाती है, और प्रीवियस ईयर में ही सब कुछ समा होता है। अगर आप SSC में देखोगे तो आपके 90-95% जो वोकैब है वो रिपीट होते हैं, 5% क्वेश्चन नए आते हैं, वो जो वोकैब नया आता है वो किसी किताब में भी नहीं मिलता है। और ये बहुत पतली सी बुक है जो आसानी से आपको 90 दिन के अंदर आपको तैयार हो जाएगा। अगर इस बुक को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपके सारे के सारे वोकैब लग जाने हैं, और ये बहुत अच्छा रिसोर्स आपको साबित होगा जो है
आपके मेंस की प्रिपरेशन में। तो तीन के तीनों सेक्शन में रिसोर्स बता दिया, अब डे वाइज प्लानिंग आपको समझनी, डे वाइज प्लानिंग कैसे करनी है। मेरे हिसाब से अब से लेके मेंस के एग्ज़ाम देने तक आपको 2.5 घंटे के आसपास पढ़ना जरूरी है। अगर 2.5 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 घंटे में देखो कैसे प्लान करेंगे, वन बाई वन सेक्शन को लेके चलते हैं। जैसे मेरा मानना है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 20 पैराजंबल पर डे आपको लगाना चाहिए, जिसके लिए 30-40 मिनट आपको एलोकेट करना पड़ेगा। 20 पैराजंबल को लगाना और उसको रिव्यू करना सही से, उतने में 30-40 मिनट लग जाता है। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 पैसेज पर डे, 2 क्लोज टेस्ट पर डे, इसमें भी 30-40 मिनट लग जाएगा अगर आप पर डे के हिसाब से लगाओगे तो। 30 स्पॉट द एरर के क्वेश्चन पर डे, 30 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर डे ग्रामर इंप्रूव करने के लिए। रिवीजन ऑफ वोकैब है जो है वो 45 मिनट पर डे के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। स्मार्ट बुक से आप इसे कर सकते हो, डे वाइज प्लानिंग बनी हो इसमें देख सकते हो कौन कौन से वोकैब याद है कौन कौन से नहीं, और इसमें क्विजेज है, क्यू आर कोड जो है स्कैन करके आप इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद 3-4 सेक्शनल टेस्ट जो है आप 7 दिन में जरूर दो। सेक्शनल टेस्ट के लिए आप माई पाठशाला के प्लेटफॉर्म में जाओगे, वहाँ सेक्शनल टेस्ट डला हुआ है, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का रिसोर्स इस्तेमाल करके आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आपके सारे के सारे जो करंट पैटर्न के हिसाब से सेक्शनल टेस्ट मतलब सेक्शनल पेपर बनने वाला है उसी हिसाब से सेक्शनल टेस्ट भी बनाए जाते हैं। तो वहां पे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपके 135 में से कितना स्कोर बन रहा है, 125 बन रहा है, 120 बन रहा है या क्या बन रहा है, इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब रही मेरी बात कि इस प्लानिंग के साथ मैं आपकी किस तरीके से मदद करने वाला हूँ, तो कुछ मदद मैं आपको YouTube पे करने वाला हूँ। ये बहुत परफेक्ट प्लान बनाया है, अगर रेगुलर डे बाय डे अगर आप अगले 75 दिन अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आओगे ना तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं माय पाठशाला YouTube चैनल पे आपकी मदद करने वाला हूँ। डिफिकल्ट जो ग्रामर के रूल्स होते हैं या इंपॉर्टेंट रूल है जो रिपीटेटिव रूल्स है वो, और उन पे बेस अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके लिए वीडियो डिलीवर करना। मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो रखूंगा क्योंकि मेंस में लाइव क्लासेस में समय स्पेंड करना मुझे लगता है मूर्खता होती है, क्योंकि अगर मैं 20 क्वेश्चन भी और अगर 10 रूल्स भी अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो 20-25-30 मिनट में ग्रामर के रूल समझ भी आ जाएंगे, आप 2x पे लगा के उसे फटाफट देख के समझ भी लोगे। तो अननेसेसरी लाइव क्लासेस इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करूंगा, ठीक है। और पैराजंबल जो है ग्रामेटिकली सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं पैराजंबल के सेशंस लूंगा, ये दिखाऊंगा कि ग्रामेटिकली कैसे उसे चंद सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, पूरा पढ़े बगैर भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं क्लोज टेस्ट की, पैसेज की, कुछ सेशन लूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। और वोकैब की बात करें तो डिफिकल्ट और रिपीटेटिव जो वोकैब्स होते हैं उनको लेके वीडियोज़ मैं बनाऊंगा और YouTube पे अपलोड करूंगा, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। वीडियो को 2x मोड पे डाल के आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो की रोल रहने वाला है वो ये रहने वाला है, अगर आप ये प्लानिंग करते हो डेली बेसिस पे और जो रिसोर्सेज मैंने बताया है वो तीन के तीनों रिसोर्सेज अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आप मेंस की अच्छी तैयारी कर पाओगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों बुक्स के लिंक दे रहा हूँ और वहाँ से क्लिक करके जाके अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स बाई कर लो। ये तीनों के तीनों बुक्स प्रीवियस ईयर का रिसोर्स है, लेकिन वो ग्रामर में, वो कैब में, कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग डिवाइड है और इससे आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। मैं जल्द ही इन सारी चीज़ों पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा, वीडियोज़ बना के रेगुलर बेसिस पे मैं आपको अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं ये जो प्लान मैं बता रहा हूं इस प्लान को फॉलो करोगे और अगर ये प्लान अगर सही से एग्जीक्यूट करोगे तो मेंस के पेपर में आप 130 नंबर, 132 नंबर, 135 में से आसानी से बना पाओगे अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो भी। अभी के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इन लेक्चर के साथ मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।